सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। ताजा है तेज है में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई की खबर, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। बाइक को इस कार ने टक्कर मार दी है। बाइक सवार दूर उछल कर गिर गया, जिसमें 3 लोग घायल हुए। वैसे इलाके की घटना है, सीसीटीवी में कैद हुई हैरान करने वाली तस्वीर। रामपुर के एक अस्पताल में जबरदस्त हंगामा हुआ। मरीज के घर वालों ने अस्पताल की इमरजेंसी में तोड़फोड़ की, टेबल को पटक दिया। डॉक्टर्स के साथ मारपीट का आरोप है। इमरजेंसी रूम में दरवाजे भी तोड़ दिए गए, कुर्सी टेबल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया। मरीज की हालत बिगड़ने से दूसरी जगह ले जाने पर भड़क उठे थे घर वाले। अस्पताल में 15 मिनट तक तोड़फोड़ चलती रही। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शुगर मिल में किसानों का हंगामा, मिल कर्मचारियों और किसानों में झड़प। किसानों ने शुगर मिल कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, गन्ने फेंक कर मारे, कई कर्मचारियों को चोटें भी आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचा रेप पीड़िता का पार्थिव शरीर, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हुई थी। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद परिवार का बयान, कहा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हैदराबाद जैसा इंसाफ चाहिए। स्वाति मालीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की सड़कों पर नजर आया लोगों का हुजूम, कैंडल मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजघाट से इंडिया गेट तक एक कैंडल मार्च निकला था। रेप केस के खिलाफ अनशन पर स्वाति माल बैठी हुई है। प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की भी कोशिश की, लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राजघाट पर आमरण अनशन पर बैठे हैं स्वाति मालीवाल। दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए, मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर से उत्तर प्रदेश भवन तक विरोध जताया। उन्नाव रेप पर नाराजगी को लेकर लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। उन्नाव पीड़िता की मौत को लेकर लखनऊ में भी हंगामा हुआ। उन्नाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर सोनभद्र में भी प्रदर्शन हुआ, बड़ी संख्या में छात्रों ने रैली निकाली। बेंगलुरु में महिला अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, टाउन हॉल में बड़ी संख्या में तख्तियां लेकर लोग पहुंचे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, सफदरजंग अस्पताल में ही उन्नाव रेप पीड़िता ने दम तोड़ा था। उन्नाव रेप पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी उन्नाव पीड़िता की मौत पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से सरकार की छवि धूमिल होती है। उत्तर प्रदेश के हालात पर राज्यपाल से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुलाकात करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सीएम को बुलाकर राज्यपाल बात करें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर दुख जाहिर किया। उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, गाय पालने वाले कैदियों की कम होती है अपराधी प्रवृत्ति। पुणे में गौसेवा पुरस्कार समारोह में भाषण दे रहे थे भागवत।